बात करते हैं हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला की, जहां इन दिनों बूंद बूंद पानी के लिए तरस रहे हैं लोग। शिमला में ऐसा जल संकट पैदा हुआ है जो आज तक देखा और सुना नहीं गया। जगह जगह प्रदर्शन हो रहे हैं। देखिए एबीपी न्यूज संवाददाता जावेद मंसूरी की यह खास रिपोर्ट। परेशान है पहाड़ों की रानी, बूंद बूंद को तरसते लोग, शिमला में जल संकट। शिवधनी पिछले 14 साल से शिमला में सचिवालय के पास कुलचे और बर्गर बेच रहे हैं। ग्राहकों के लिए पीने का पानी रखते थे, लेकिन अब नहीं रख पा रहे। समस्या तो बहुत भारी है पानी की, पहली बार ऐसे हुआ सर। तो क्या पानी भी पिलाते हैं ग्राहकों को? आज पानी नहीं है? आज तो पानी नहीं है सर। हरेंद्र ठाकुर न्यू शिमला में रहते हैं। हम यहाँ पहुँचे तो कार से हरेंद्र पानी निकालते दिखे। हरेंद्र ने बताया 5 से 7 किलोमीटर दूर से पानी लाए हैं, क्योंकि 8 दिन से यहाँ पानी नहीं है। ये पीने के लिए पानी? पीने का नहीं है। नहीं नहीं, वैसे ही ला रहे भर के। कितने किलोमीटर दूर से ला रहे हैं? ये कम से कम यहाँ से 5-7 किलोमीटर है। न्यू शिमला में ही ऋतु रहती है, घर में पानी नहीं है। 7 दिन में सिर्फ 1 घंटे पानी मिला है। हफ्ते भर से ना कपड़े धुले हैं और ना ही बच्चे नहा पा रहे हैं। वेस्टिंग नहीं कर रहे नहाने, कपड़े नहीं धो रहे हम। कपड़े 2 हफ्ते हो गए धुले हुए। अच्छा। बस अपना इस्तेमाल कंट्रोल कर रहे कि बस खाने पाने का। न्यू शिमला में श्रीराम अस्पताल चलाते हैं डॉक्टर सुखराम। डॉक्टर साहब ने बताया अस्पताल में पानी की कमी की वजह से क्लीनिंग का काम प्रभावित हो रहा है। दूसरा, ऐसे मरीज भी आ रहे हैं जो गंदा पानी पीने से बीमार भी हो रहे हैं। बिना धोए हाथ और बिना पाइपें, गंदी पाइपों से पानी डाल रहे हैं और उससे इन्फेक्शन हो रहे हैं। हमारे पास यहाँ पेशेंट आ रहे हैं इसके, इस तरीके के। हाँ, फिर हम साफ सफाई रखने में ये फ्लोर वगैरह का, थिएटर वगैरह का, इसी भी समस्या आती है। शिमला में पानी की किल्लत से यह हाल है कि जगह जगह प्रदर्शन हो रहे हैं। कहीं लोग सड़कों पर हैं तो कहीं राजनीतिक पार्टियों ने मुद्दा लपक लिया है। 1875 में शिमला में पानी की सप्लाई व्यवस्था शुरू की गई थी। 15 किलोमीटर दूर गुम्मा और 7 किलोमीटर दूर अश्विनी खंड से पानी शिमला पहुंचाया जाता है। 16,000 लोगों के लिए किया था पानी का इंतजाम। आज आबादी 1,70,00,000 पहुंच चुकी है, लेकिन पानी की सप्लाई आबादी के हिसाब से नहीं बढ़ी। बीते 3 सालों में पानी की उपलब्धता घटकर 3 करोड़ लीटर प्रतिदिन तक आ चुकी थी। इस बार गर्मियों में यह आंकड़ा 2 करोड़ लीटर प्रतिदिन तक पहुँच गया है, जबकि इस दौरान करीब 4.5 करोड़ लीटर पानी की मांग होती है। शिमला में हर रोज 20,000 सैलानी आते हैं। होटल मालिक तो जैसे तैसे पानी का इंतजाम करने के जुगत में लगे हैं, लेकिन असली मार झेल रही है शिमला की जनता, जो लाइन में लगे लगे इस जल संकट को कोस रही है। और इस पानी का संकट ऐसा कि हाईकोर्ट तक को निर्देश जारी करने पड़े हैं। ये है एबीपी न्यूज़, आपको रखे आगे।